नमस्कार, हाजिर एक बार फिर से आपके साथ उत्तर प्रदेश की अब तक से लेकर रात तक की सभी 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। सीएम योगी ने यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए अभिभावकों के खाते में भेजा। बोले, अब स्कूलों में शिक्षक और बच्चे दोनों दिखते हैं। जी हाँ, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कह दिया है कि इस बार हम 1200 रुपए दे रहे हैं। हमने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत श्रावस्ती से की, परिणाम अच्छे रहे, वहीं संख्या बढ़ी है। अगली बड़ी खबर, जॉब की तलाश में है तो 3 अगस्त को पहुंचे यहाँ। सीएम योगी से भी हो जाएगी आपकी बात। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपको जॉब की तलाश है, चाहे आप कोई भी हो, तो 3 अगस्त को गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचना चाहिए। बता दें कि वहाँ इस दिन रोजगार मेला आयोजित किया गया है। मेले में नौजवानों का हौसला बढ़ाने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे व कार्यक्रम में शामिल होने आए युवाओं से बात भी करेंगे। साथ ही बता दें कि मेले में एक ही स्थान पर एक ही दिन में करीब 8000 युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। ज्ञानवाबी मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव का निधन, कचहरी में शोक की लहर। जी हाँ, बता दें कि ज्ञानवाबी मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव का आज निधन हो गया है। उन्होंने मकबूल आलम रोड स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। बता दें कि ज्ञानवाबी में सर्वे के दौरान अभयनाथ यादव ने कोर्ट कमिश्नर की भूमिका पर सवाल खड़ा करने के साथ ही तहखाने का वीडियो वायरल होने पर भी आपत्ति जताते हुए कोर्ट से जाँच की मांग की थी। योगी सरकार का माफियाओं पर कसता शिकंजा। रायबरेली में गैंगस्टर भाइयों की दी 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पुलिस ने इस बार गैंगस्टर के आरोपी 2 सगे भाइयों की करीब 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। तो गंदागंज थाने के खोदाईपुर गांव के रहने वाले गैंगस्टर के आरोपी सुशील कुमार व वृंद कुमार पुत्रगण देवातादीन के द्वारा आपराधिक घटनाओं से अर्जित की गई करोड़ों रुपए की संपत्ति की कुर्क किए जाने की रिपोर्ट एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को सौंपी गई है। यहाँ माफिया चला रहे अस्पताल। उत्तर प्रदेश के इस शहर में फैला मरीजों की खरीद फरोख्त का जाल। जी हाँ, बता दें कि हाल में गोरखपुर के डीआईजी बंगले के पास एक हॉस्पिटल के सामने फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि इस बीच यह पता चला है कि शहर के दर्जनों हॉस्पिटल माफिया चला रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों से इलाज के लिए गोरखपुर आने वाले मरीजों को बरगला करने से एम्बुलेंस चालक और बिचौलिए से कुछ निजी अस्पताल के संचालक मरीज खरीदते हैं। बता दें कि इस धंधे में माफिया और मनगढ़ों की एंट्री भी हो चुकी है। एमएलसी प्रत्याशी उतारने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला। बोले, आदिवासी और जनजातीय समाज का किया अपमान। यहां बता दें कि सपा के एमएलसी प्रत्याशी उतारे जाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने आदिवासी और जनजातीय समाज का अपमान करने का काम किया है। जब उनके पास संख्या बल था, तब उन्होंने कीर्ति कोल को प्रत्याशी नहीं बनाया। तब उनकी आंखों पर सिर्फ जाति बिरादरी का चश्मा लगा था। साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा ही है जो समाज के हर वर्ग के लोगों को मान सम्मान देने का काम कर रही है। लखनऊ में भारी बारिश और तैरती कारों के वीडियो वायरल, लोगों ने बताया वेनिस। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज भारी बारिश हुई, जिससे हजारों लोग का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे कई इलाकों में जलभराव और बिजली कटौती हुई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लखनऊ के अम्बेडकर मेमोरियल पार्क के पास सड़कों पर पानी भरा है, जिससे आधी से ज्यादा डूबी कारें तैर रही हैं, जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूल ने बच्चों को सिखाया कलमा, अभिभावकों का जमकर हंगामा, अब होगा केवल राष्ट्रगान। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान इस्लामिक कलमा पढ़ने पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में फ्लोरेट से स्कूल विवादों के केंद्र में है, क्योंकि स्कूल में सभी धर्मों के छात्रों को सुबह की प्रार्थना के हिस्से के रूप में कलमा पढ़वाया जा रहा था। इस बारे में अभिभावकों को जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि इन अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल छात्रों पर धर्म थोप रहा है। शाहजहांपुर में एनएच 24 पर सड़क हादसा, 10 कांवड़िया जख्मी, हंगामा कर जाम किया है हाईवे। जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एनएच 24 पर तिलहर क्षेत्र के कपसेड़ा गांव पर हादसा हो गया है। बता दें कि बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के
खललपुर गांव के 62 कांवड़िया गोला में जलाभिषेक करने के बाद डीसीएम से घर जा रहे थे, तभी कपसेड़ा में नए पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर हाईवे पर आई ट्रक ने डीसीएम को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 कांवड़िया जख्मी हो गए हैं। बताने के डीसीएम और ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हाउस टैक्स में 10% की छूट, जानिए कब है लास्ट डेट। यहाँ बताने के लखनऊ में हाउस टैक्स में 10% की छूट 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने इसके निर्देश दिए हैं। बताने की 10% की छूट 31 जुलाई को खत्म हो रही थी, लेकिन लोगों की सुविधा तथा सहूलियत के लिए महापौर ने इसे 1 महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है। ट्रैफिक में सुधार के लिए नियम कड़े, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगी ई रिक्शा, बैठेंगे केवल इतनी सवारी। यहाँ बता दें कि शहर का ट्रैफिक ध्वस्त करने वाले ई रिक्शा संचालकों पर अब उत्तर प्रदेश में शिकंजा कस दिया गया है। इसके लिए यातायात विभाग ने कमर कस ली है। और बता दें कि आज प्रभारी पुलिस उपायुक्त यातायात की अध्यक्षता में बैठक की गई है, इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। ट्रैफिक ने बेपरवाह ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है वह किसी कीमत पर नहीं चलेंगे। ये 1 लाख बिजली के कनेक्शन काटेगा भी भार, जाने कहीं आपका भी तो नहीं है इसमें। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज बकाया बिलों की वसूली में तेजी लाने के लिए अधीक्षण अभियंता ने बिजली अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताने को उपकेंद्रों का निरीक्षण कर राजस्व वसूली की समीक्षा की है। साथ ही अधीक्षण अभियंता अतुल अग्रवाल ने शहर के SDO द्वितीय मुन्नी लाल गुप्ता के साथ बैठक की। इसके बाद उपकेंद्र औंग लेखराज का निरीक्षण किया। इस दौरान 1 लाख से अधिक बकाया बिल पर कनेक्शन काटने के आदेश दे दिए गए हैं। बाराबंकी से PFI का सदस्य हिरासत में, घर में चला रहा था मदरसा। जी हाँ, बताने को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक PFI सदस्य हिरासत में लिया गया है। बताने की ATS ने घर में संचालित निजी मदरसे में ETS की टीम ने छापा मारा है। वही टीम ने यहाँ से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले भी लिया है। बताने के पकड़ा गया युवक PFI का सदस्य बताया जा रहा है। इस दौरान कुर्सी थाने की पुलिस भी मौजूद रही। नई सड़क हिंसा, आरोपी वसी पर होगा 1.46 लाख के स्टॉम्प चोरी का केस। KDA की जमीन पर बनाई बिल्डिंग। जी हाँ, बता दें कि नई सड़क हिंसा के फंड मैनेजर रहे बिल्डर हाजी मोहम्मद वसी के खिलाफ अब स्टाम्प चोरी की FIR भी दर्ज होगी। बताने को उसकी जांच मऊ स्थित बिल्डिंग में 1.46 लाख रुपए की स्टाम्प कमी निकली। बताने की AIC स्टाम्प ने नोटिस जारी कर फाइल DM को भेज दी है। उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में राहत नहीं, LPG की कीमत 1000 के पार, जानो उत्तर प्रदेश के अभी का रेट। यहाँ बताने के खाना पकाने के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग करने वाले भारतीय परिवारों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के दामों में कोई राहत नहीं मिली है। बताने की इसकी कीमत उत्तर प्रदेश में 1090 रुपए प्रति रिफिल है। मई जुलाई में इस कीमत में 50 रुपए का इजाफा होने के बाद से ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1090 रुपए है। साथ ही बताने की खाना पकाने के लिए 305 मिलियन से अधिक घरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले घरेलू LPG की कीमत जुलाई में लगभग 1.5 महीने बाद बढ़ी थी। बता दें कि अब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के रेट में उछाल के बाद से ही ये 1000 के पार है। सुबह 5:43 बजे से शुरू होगा नाग पंचमी पूजन मुहूर्त, शिव सिद्धि योग का अद्भुत संयोग। जी हाँ, बताने कि नाग पंचमी का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं। नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं। वहीं नाग पंचमी का दिन नाग देवता की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन शिव स्वार्थ सिद्धि योग बनने से इस दिन का महत्व बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि नाग पंचमी पूजन का शुभ मुहूर्त दिन सुबह 5:43 से सुबह 8:25 तक नाग पंचमी पूजा मुहूर्त है और अवधि 2 घंटे से 42 मिनट की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मम्मी पापा माफ करना, मैं सरकारी नौकरी नहीं पा सका, यह लिख यमुना में कूदा युवक। जी आपको बता दें कि न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला तल्फी में आज सेना भर्ती की तैयारी कर रहा युवक यमुना में कूद गया। बताने की वह नौकरी न मिलने से परेशान था। उसने कूदने से पहले व्हाट्सएप स्टेटस पर खुदकुशी के बारे में लिखा है। साथ ही उसका मोबाइल और चप्पल नाव में रखे मिले हैं। बता दें कि पुलिस युवक की तलाश अभी कर रही है। ओवैसी पर गोली क्यों चलाई, आज तक के सवालों में फंसा शुभम तो वकील बोला बच्चे हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले शुभम और सचिन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है। जमानत मिलने के बाद शुभम के घर पर कुछ हिंदू संगठन और गौ रक्षक दल के लोग पहुंचे और उन्हें शुभम का सम्मान भी किया। इस दौरान आज तक से शुभ ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि शुभम के घर पहुंचे हरियाणा गौ रक्षक दल ने अध्यक्ष आचार्य आजाद ने कहा कि मैं सचिन और शुभम के घर पर आया हूं, दोनों बच्चे हैं, नादानी में हो जाता है, लेकिन यह वारदात ओवैसी को एक चेतावनी भी है। अमित शाह की भी लोगों से अपील है, 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपनी डीपी में लगाएं तिरंगा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोगों से एक बार फिर अपील की है। बता दें कि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा का इस्तेमाल प्रोफाइल तस्वीर के तौर पर लगाएं और ऐसा करने के लिए हर किसी को प्रेरित करें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की भी गुजारिश की है। दोस्तों, यूपी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। खबर अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटे के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।